नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बैंककर्मी ने किया शादीशुदा महिला से रेप, शिकायत पर गिरफ्तार। राजनांदगांव डोंगरगढ़ में अपनी सहकर्मी बैंककर्मी का यौन शोषण करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। पुलिस से की गई शिकायत में युवती ने कहा है कि उसे बैंक के कार्यालयीन कार्य से शहर से बाहर जाना पड़ता है, साथ में आरोपी भी बैंक के काम से जाता था। वापसी में रात होने पर सुनसान जंगल का फायदा उठाकर आरोपी ने युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया और इसके बाद कई महीनों तक उसे ब्लैकमेल कर यौन संबंध बनाने को मजबूर करता रहा। आरोपी के उत्पीड़न से तंग आकर युवती ने आखिरकार अपने पति और परिवार में सबको आरोपी के बारे में बता दिया, फिर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डोंगरगढ़ पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। आरोपी प्रदुम कुमार को हिरासत में ले लिया। फिलहाल विवेचना जारी है और आरोपी प्रदुम कुमार पुलिस की कैद में है। वही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 700 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप, 10वीं पास युवा भी हो सकते हैं शामिल। बिलासपुर में MBA से लेकर 10वीं कक्षा पास कर चुके युवाओं के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। शुक्रवार को रोजगार ऑफिस में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 20 विभिन्न कंपनियों में 700 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार ऑफिस के उप संचालक ने बताया कि रोजगार मेला कोनी स्थित ऑफिस में 13 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया गया है। इसमें अलग अलग निजी कंपनियों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अपने निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हो सकते हैं। रोजगार ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार रोजगार मेले में निजी प्रतिष्ठानों के HR, टेलीकॉलर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, सेफ, हाउसकीपिंग, ट्रेनी जैसे 700 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी।